हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉमोजिक ट्यूटोरियल्स। आज हम कैनवा में एक थैंक्सगिविंग डे का पोस्ट बनाने वाले हैं और वो भी 5 मिनट के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या एलिमेंट की ज़रूरत है। तो पहले हम हैप्पी थैंक्सगिविंग का एक बैकग्राउंड फ़ोटो देख लेंगे। तो हैप्पी थैंक्सगिविंग मतलब बोल के अगर सर्च करोगे और इसमें फ़ोटोज़ में आओगे तो यहाँ पर बहुत सारा थैंक्सगिविंग रिलेटेड फ़ोटो आपको मिल जाएंगे। तो उसमें से ही मैं यहाँ पर एक फ़ोटो चूज कर लेती हूँ जो मेरे पोस्ट के बैकग्राउंड में मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये फ़ोटो मैंने ऐसे रख लिया, इसका बैकग्राउंड तो तैयार है। फिर हैप्पी थैंक्सगिविंग टाइपोग्राफी बोल के अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा टाइपोग्राफी आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारा टाइपोग्राफी है, तो उसमें से आप कोई भी टाइपोग्राफी चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये जो टाइपोग्राफी है ये चूज़ कर रहा हूँ। फिर थैंक्सगिविंग बॉर्डर फ्रेम बोल के अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा बॉर्डर्स भी आपको मिल जाएंगे, ऐसे बॉर्डर का फ्रेम आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारा बॉर्डर्स का फ्रेम है, तो उसमें से मैं ये वाला फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये तो बिल्कुल तैयार है। तो आप चाहो तो इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पर लोगो ऐड कर सकते हो, आपका कुछ URL या फिर वेबसाइट वगैरह या फिर कॉन्टैक्ट सेक्शन है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट आप कैनवा में बहुत ही कम समय में कैनवा एलिमेंट के मदद से आप बना सकते हो। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसको आप डाउनलोड करने के लिए ऐसे शेयर में जाकर, डाउनलोड में जाकर, कोई भी ऑप्शन में, JPG, PNG, PDF, कोई भी ऑप्शन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसका लिंक भी शेयर कर सकते हो इनियन विद द लिंक, कॉपी लिंक करके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।